मीडिया मामले में गिरफ्तार एएसआई सचिन बाजो का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। जब्त की गई इनोवा कार से कमिश्नर ऑफिस जाते दिख रहे हैं आरोपी पुलिसकर्मी। घटना के दिन एंटीलिया के बाद सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी यही इनोवा कार। जांच में खुलासा, मुंबई पुलिस के सीआई यूनिट की है गाड़ी। एनआईए की टीम ने कल मुंबई से बरामद की इनोवा कार। कार के दो ड्राइवर समेत सीआई यूनिट के चार लोगों से पूछताछ। सीआई यूनिट में ही तैनात थे आरोपी एसआई सचिन वाजे। एंटीलिया की घटना के बाद गाड़ी को मुंबई पुलिस के मोटो वर्कशॉप में छिपाने का आरोप। एंटीलिया मामले को लेकर बीजेपी का बड़ा दावा, कहा सचिन वाजे की वजह से शिवसेना और एनसीपी में चौड़ी हुई दरार। शाम 4 बजे शरद पवार ने बुलाई है पार्टी के मंत्रियों की बैठक। एंटीलिया केस में गिरफ्तार एएसआई सचिन वाजे को 25 मार्च तक एनआईए रिमांड। बीती रात वाजे की तबियत बिगड़ने के बाद एनआईए दफ्तर में बुलाया गया डॉक्टर। वाजे की गिरफ्तारी पर भड़की शिवसेना, पार्टी के अखबार सामना में लिखा एनआईए की कार्रवाई, मुंबई पुलिस का अपमान। बीजेपी सांसद किरीट सोमैया का सीएम उद्धव ठाकरे और पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह से सवाल, 2004 में निलंबन के बाद 2020 में कैसे हुई वाजे की बहाली। दिल्ली, केरल और कर्नाटक के करीब 10 ठिकानों पर एनआईए की छापामारी। आतंकी संगठन आईएसएस से जुड़े 5 लोगों पर शिकंजा। आज से दिल्ली के सभी अदालतों में पहले जैसा ही होगा कामकाज। कोरोना के चलते एक साल बाद कोर्टरूम से ही काम करना शुरू करेगी सभी बेंच। देश भर में आज से बैंकों की 2 दिन की हड़ताल, निजीकरण के विरोध में कामकाज ठप। सिलीगुड़ी में बैंक कर्मचारियों ने सड़क पर उतर कर की नारेबाजी, सड़क पर किया विरोध प्रदर्शन। बैंक कर्मचारी संगठनों का दावा, 2 दिन की हड़ताल में शामिल 10 लाख से ज्यादा कर्मचारी। सरकार के फैसले के विरोध में बीमा कंपनियां भी करेंगी अपनी आवाज बुलंद। सार्वजनिक क्षेत्र की 4 इंश्योरेंस कंपनियों ने भी दी है हड़ताल की कॉल। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन होने की अटकलों के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भरोसा दिया, कहा सारे विकल्प नहीं होंगे बंद। बंगाल चुनाव में आज दिग्गजों की रैलियों का दिन। झारग्राम और बांकुरा में गृहमंत्री अमित शाह करेंगे चुनावी रैलियां। रविवार की शाम बंगाल के खड़गपुर में अमित शाह ने किया था रोड शो। बंगाल में कम से कम 200 सीटें जीतने का दावा। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जाएंगी पुरुलिया, व्हील चेयर पर 2 रैलियों को करेंगी संबोधित। कल कोलकाता में ममता ने किया रोड शो, बीजेपी पर किए कई बार, कहा घायल शेर होता है ज्यादा खतरनाक। ममता को लगी चोट पर बाबू सुप्रियो का तंज, कहा चोट कैसे लगी, चुनाव आयोग खोल चुका है कलेज। मुरैना में दलित के घर पर भोजन के कार्यक्रम के दौरान सामने आई बीजेपी की फूट, सिंधिया समर्थक और स्थानीय कार्यकर्ता आपस में भिड़े। यूपी में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी, मायावती का आरोप, जातिवादी पार्टियां कर रही हैं साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल। योगी सरकार पर भी मायावती का आरोप, कहा जाति की दुर्भावना से हो रहा है बुलडोजर का इस्तेमाल। असदुद्दीन ओवैसी पर बरसे योगी के मंत्री मोहसिन रजा, कहा अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं तो अपराधी बनने से रोके। ओवैसी ने यूपी के अपराधियों के एनकाउंटर पर उठाए सवाल, कहा अल्पसंख्यकों को बना जा रहा है निशाना। अलीगढ़ में पूर्व विधायक जमीरुल्ला का भड़काऊ बयान, शिया नेता वसीम रिजवी को बताया शैतान, कहा जहां देखिए पत्थर मारो। हिसार में मृत किसान राजगीर के घर पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा, कहा 300 किसानों ने दी शहादत, सरकार चुनाव में व्यस्त। आंदोलन में मरने वाले किसानों के परिवारों को दीपेंद्र हुड्डा का वायदा, सरकार बनी तो 1 सदस्य को देंगे सरकारी नौकरी। दिल्ली के करीब बॉर्डर पर डटे आंदोलनकारी किसानों के लिए पंजाब में बड़ी तैयारी, गर्मियों में इस्तेमाल के लिए संगरूर में बनाए जा रहे चारपाई। किसान आंदोलन और किसानों के समर्थन में आए मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, कहा किसानों की हालत खराब है, उनकी मांगों पर करे विचार सरकार। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से महाराष्ट्र में संकट, नागपुर में आज से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन, लेकिन मॉर्निंग वॉक करते नजर आए लोग। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 16,620 नए कोरोना के मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में 50 मरीजों ने दम तोड़ा, राज्य में 1,26,000 से ज्यादा हुए केस। पुणे में भी कोरोना की तेज लहर, 1,740 नए मरीजों से मचा हड़कंप, 17 लोगों ने गंवाई जान। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मिले 1,023 नए मामले, अस्पतालों में बेड बढ़ाने के निर्देश।
और देशों की वर्चुअल समिट में कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान, 2022 तक 100 करोड़ डोज होंगी तैयार। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने कोरोना के खात्मे के लिए मिलाया हाथ। क्वाड समिट में वैक्सीन निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए भारत में बड़े निवेश का फैसला। भारत में बनने वाली कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर यूरोप में उठे सवाल, नेदरलैंड और आयरलैंड ने भी लगाई तत्कालिक रोक। डेनमार्क, नॉर्वे और आइसलैंड ने भी लगाया है रोक, वैक्सीन लेने के बाद खून का थक्का जमने की आई थी शिकायतें। ब्लड क्लॉटिंग की खबरों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया रुख, कहा अभी तक ऐसे साइड इफेक्ट्स पर नहीं मिली कोई पुख्ता रिपोर्ट। लखनऊ में बीजेपी सांसद की बहू ने की खुदकुशी की कोशिश, पति के आरोपों के बाद अंकिता ने काटी हाथ की नस। आयुष की पत्नी को जख्मी हालत में पहुंचाया गया अस्पताल, पति और ससुराल वालों को बताया जिम्मेदार। खुदकुशी की कोशिश से पहले आयुष की पत्नी ने जारी किया था वीडियो, जान देने की दी धमकी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने अंकिता के आरोपों को बताया बेबुनियाद, बेटे की शादी से भी किया किनारा, कहा अंकिता से कोई रिश्ता नहीं। बीजेपी सांसद के बेटे आयुष ने कल लखनऊ में दर्ज करवाया अपना बयान, साजिश का खुलासा होने के बाद से था फरार।